MHBT, My Home Bahria Town, एक ऐसा community group जो बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए मददगार रहता है। इस ग्रुप के मेंबर की तादाद 14,000 से ज़ायद है। MHBT membership card के जरिए बहरिया टाउन के रिहायशियों के मसाइल हल होते हैं। ये ग्रुप members की हिदमत के लिए पेश रहता है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें न्यूज ऑन क्लिक्स। सबसे पहली चीज ये है कि MHBT ने एक एफिलिएशन और एक हार्मनी क्रिएट की अमंग द रेजिडेंट्स कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। कैसे? यहाँ पे चूँकि इस ग्रुप के अंदर सारे बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं और यहाँ पे जब पोस्ट शेयर्स होती हैं और यहाँ पे जब बातचीत करते हैं लोग आपस में, तो हर बंदे को घर बैठे हुए पता चल रहा होता है कि उसके नियर सराउंडिंग्स में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या चीज़ जा रही है। और फिर इसके बाद जो इसकी दो तीन वेरी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा बताना पसंद करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इस ग्रुप के जो एफिलिएटेड दो ग्रुप्स हैं 1122 और QRF, उसके अंदर एक दूसरे को हेल्प आउट कैसे किया जाता है, ये एक बेसिकली MHBT के ऊपर से ही क्रिएट किए गए ग्रुप्स हैं और उसमें सारे रेजिडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई इश्यू हो जाता है, लाइक आई एम इन द ऑफिस और माय वाइफ इज़ ड्राइविंग द कार टू पिक एंड ड्रॉप किड्स, तो उसमें ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब होगी तो शी विल सिंपली ड्रॉप अ मैसेज एट दिस ग्रुप कि भाई आई एम फेसिंग दिस इशू। तो वहाँ पे चूंकि सारे रेजिडेंट्स मौजूद हैं और वो देख रहे हैं, जो भी नियरेस्ट होगा ही विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एंड हेल्प हर आउट। सो मैं अपने ऑफिस के अंदर रिलैक्स बैठा हूँ कि अगर माई ऑफिस इज़ लाइक 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम बहरिया टाउन, तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये इस ग्रुप की वजह से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि मेरे फैमिली जो है उसको मैं समझता हूँ कि माई फैमिली इज़ सेफ और उनको कोई इशू नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया गया और हर बंद उसका डुअल एडवांटेज है यहाँ के रेजिडेंट्स को भी, क्योंकि बीइंग अ रेजिडेंट, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे नहीं पता था, मैं जब डाइन आउट करने जाना होता था तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर मूव करता था, पर जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद है जिनके लिए मैं 20 किलोमीटर सफ़र तय करके इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाता था। तो ये जो प्रमोशन है, और दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो बीइंग अ बिजनेसमैन यहाँ पे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद देयर रेजिडेंट्स, जो कि उनका टारगेट मार्केट है, जो कि उनके टारगेट कस्टमर्स हैं। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। और प्लस ये है कि यहाँ पे हम लोगों के एक बीइंग ए सोशल ग्रुप, हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला, हमारी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स यहाँ पे डेवलप हुई और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, क्योंकि नॉर्मली बाहर के लोग यहाँ पे ऐसा एक इमेज किया, एक ऐसा तासर दिया जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं ये इंटरेक्ट नहीं करते। तो इस ग्रुप के अंदर अगर आप आएँ और यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, ये लोग बहुत सोशल है और ये हर बंदा एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे को हेल्प आउट करता है। तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ MHBT एंड नो डाउट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर नवीदुल हक। आई गेस के जब से माई होम बहरिया टाउन ऑफिशियल ने इन बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया है, उसके बाद से माशाल्लाह से उनमें काफ़ी फ़र्क आया है। नए बिजनेसेस भी जो है वो मतलब अब होपफुल हो गए कि हाँ ठीक है यार, हमें कोई कवर करने के लिए मौजूद है। बिजनेस प्रमोशन की अगर बात से देखें तो बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं अपने आप को देखता हूं तो जितना बेनिफिट मुझे माय होम बहरिया टाउन ऑफिशियल से हुआ है, आई गेस अगर माय होम बहरिया टाउन ना होती तो इतना फ़ायदा नहीं होता इसकी प्रमोशन में। एंड इट हेल्प्ड अ लॉट टू प्रमोट अवर बिजनेसेस, चाहे वो मेरा बिजनेस या और भी जो दूसरे बिजनेस हैं बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में एक चीज़ जो काफ़ी लिमिटेड है वो ये है कि यहाँ इसकी ना यहाँ प्रमोशन बड़ी टफ है। कॉस्ट कटिंग होती है वो डेफिनेटली हम जो है कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं थ्रू MHBT डिस्काउंट। जो MHBT मेंबर्स उनके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं और वो नॉर्मल डिस्काउंट से काफ़ी बढ़ के होते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक 5% 10%, इट गोज अप टू 15-20 समटाइम्स। मैंने कई ऐसे बिजनेसेस देखे जो 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ MHBT मेंबर्स के लिए, जो कि दूसरों को अवेलेबल नहीं है। तो MHBT मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा डेफिनेटली इसमें फ़ायदा है, एक बहुत मतलब इट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर देम। एंड द सेम टाइम जो बिजनेस मैन है उनको बिजनेस मिल रहा है और उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। तो इट इज बेसिकली अ ग्रेट डील फॉर बोथ द बिजनेसेस एंड द MHBT मेंबर्स। हम लोगों को डोनेशंस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, डोनेशन सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड। जितने भी लोग बहरिया टाउन के अंदर रहते हैं दे वांटेड टू गिव डोनेशंस, वो डोनेशंस देना चाहते हैं और दे डोंट नो कि वो डोनेशंस कहाँ पे खर्च करें, व्हाट हु आर द नीडी पीपल जहाँ पे ये एक्सपेंस किया जाए। अब माय होम बहरिया टाउन एक ब्रिज बनता है यहाँ पे भी लोगों के दरमियान और नीडी पीपल के दरमियान, कि ये इन नीडी पीपल को वो लोग जो अपने पैसा देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं, सो दे डोंट नो कि किसकी तरफ जाना है। सो वी हैव लिस्टेड आउट, माय होम बहरिया टाउन हैज लिस्टेड आउट अ लॉट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर नीडी, दे आर लिविंग अराउंड एंड दे नीड हेल्प इन एजुकेशन, दे नीड हेल्प इन फूड, दे नीड हेल्प इन क्लोथिंग। हम इन लोगों से, माय होम बहरिया टाउन जो ग्रुप है वो इन लोगों से पैसे लेके डोनेशंस कलेक्ट करता है और उसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से, शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, बजाय इसके कि हम उन लोगों के लिए प्रमोट करें, हम उनको अंडर हैंड उनको लोगों को पैसे पहुंचाते हैं, उनके स्कूलों बच्चों की स्कूलों की फीसेस भी पे की जा रही हैं, फूड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। एवरी वीक वी आर हैविंग अ फूड ड्राइव, यहाँ पे फूड ड्राइव होती है, लोगों को लेबर को जो नीडी पीपल हैं उनको खाना बांटा जाता है, बिजनेसेस सपोर्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ माय होम बहरिया टाउन एक ब्रिज बन रहा है इन लोगों के दरमियान जो ज़रूरतमंद हैं और उन लोगों के दरमियान जो लोगों की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। मेन अचीवमेंट आई गॉट थ्रू माई होम बहरिया टाउन ऑफिशियल वो थे हैं टारगेटेड ऑडियंस, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम फेसबुक पे भी या इंस्टाग्राम पे भी अगर हम एक कैंपेन चलाते हैं, इवन पेड कैंपेन चलाते हैं, तो वी डोंट नो हु इज़ अवर टारगेटेड ऑडियंस, क्योंकि वो तो ओपन लोग देख रहे होते हैं और यू नेवर नो कि आप उसमें ऑर्गेनिक ऑडियंस आपकी कितनी है। बट MHBT इज़ all about pure audience, like pure organic audience. For the ones who have not joined my home bahria town official Facebook page yet, I would really recommend everyone, especially the residents and the females, to join that page so that they know how things are getting done over here in a better way, and their life will be sorted in a very good way, I must say. ये एक फ़लसफ़ा है अपने अलावा बाकी लोगों के लिए जीने का, ये एक फ़लसफ़ा है अपने अलावा बाकी लोगों के लिए सोचने का, और ये एक फ़लसफ़ा है कि अपनी ज़ात से निकलकर बाकी लोगों की तरफ देखने का। इफ़ यू आर अ बहरिया रेजिडेंट एंड यू डू नॉट जॉइन दिस ग्रुप, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज़ लिसनिंग टू मी टू जॉइन दिस ग्रुप। ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, ये आपको एक नई राह दिखाएगा ज़िंदगी को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी लाइफ को और अपने आसपास लोगों को एक नए नज़रिए से, एक नई फिलॉसफी से और एक नई आइडियोलॉजी से देखने का।